मानसून की बेरुखी और भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं। ऐसे में मऊ के मुसलमानों ने सुबह मुस्लिम इंटर कॉलेज में अंसार ग्राउंड में बारिश के लिए विशेष नमाज अदा की और नमाज के बाद सैकड़ों हाथ दुआ के लिए उठे। मुसलमानों ने अल्लाह से दुआ की कि जल्द बारिश हो ताकि राहत मिल सके। भीषण गर्मी में मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी भी परेशान है। मऊ की धरती बारिश के लिए तरस रही है। मानसून की दस्तक न होने से हर तरफ तराही तराही का माहौल है। बिजली कटौती से भी लोग बेहाल है। ऐसे में जमीयत अहले हदीस मऊ की तरफ विशेष नमाज और दुआ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर विशेष नमाज अदा करने के बाद मौलाना रफीक अहमद सल्फी ने अपने संबोधन में कहा कि बारिश ना होना और जमीन से वाटर लेवल का कम होना हमारे गुनाहों की तरफ एक इशारा है। उन्होंने कहा कि आज अगर हम परेशान हैं तो हम अपने गुनाहों की वजह से हम गरीबों का हक मार रहे हैं, लोगों पर जुल्म और सितम कर रहे हैं। इसलिए ईश्वर ने बारिश को सजा के तौर पर रोक रखा है। हमारे गुनाहों की वजह से इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी परेशान है और फसलें बर्बाद हो रही हैं। इसलिए हम सब सच्ची तौबा करके अपने रब के सामने गुनाहों की माफ़ी मांगे। उन्होंने अल्लाह से दुआ करने के ये उम्मीद जताई कि जल्द ही बारिश होगी और लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि अल्लाह के दरबार में देर है अंधेर नहीं। मऊ से HN आजमी की रिपोर्ट, SKH न्यूज़। और यहाँ अल्लाह ताला से बारिश के लिए हम उम्मीद है, क्योंकि सभी को मालूम है कि किस कदर गर्मी है, बारिश की कमी है, फसलें तबाह हो रही हैं, सब लोग परेशान हैं। इसलिए हम अल्लाह ताला से बारिश खास किया, उसकी मर्जी है, इंशाल्लाह बारिश होगी। बस अगल बगल देखा है तो पानी बरस रहा है, मऊ में ही नहीं क्यों बरस रहा है, चाहे ये ऐसा क्यों सर? ये गुनाहों की वजह से हो सकता है, जैसा कि हमारे शेख ने फरमाया, हमारे समाज के अंदर बड़ी बुराइयाँ हैं, इस वजह से जो है अल्लाह ताला जो है मेहमान है, क्योंकि ये शहर सबसे ज़्यादा जिसके अंदर स्कूल और मदरसे हैं और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उलमा है और इस शहर में बहुत सारी बुराइयाँ भी हैं, तो अल्लाह ताला भी सबसे ज़्यादा मददनाक है। इसलिए हमने अल्लाह से माफ़ी मांगी है, परवरदगार हम गुनाहगार अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हुए उसे हाथ गला के गुनाह का एतराफ़ करके बारिश तरफ करते हैं, अल्लाह ताला से कबूलियत की दुआ हमने किया है। ऐसे में क्या संदेश देना चाहते हैं आप? क्या संदेश देना चाहते हैं मुबासों को इस कार्यक्रम के माहौल, क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? पैगाम यही है कि हम अल्लाह के दीन की तरफ राग़िब हैं। वो अल्लाह जिसने इस कायनात को बनाया वो अकेला है, सिर्फ उसी से सब कुछ मांगा जाए, उसी से तलब किया जाए, उसके साथ किसी को शरीक न किया जाए और उस पर ईमान ले आ जाए, ये हमारा पैगाम है। और इस्लाम ये सारे दुनिया के लिए आया हुआ है, लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोग इसको मानते हैं और मुसलमानों की भी ये कमी है। इस्लाम का तारुफ, उसका परिचय जो इस तरह से कराना चाहिए नहीं कर रहे हैं। शायद ये अल्लाह ताला इस बात पर भी गज़बनाक हो सकता है कि करोड़ों ऐसे इंसान हैं जो इस्लाम से दूर हैं, अल्लाह की रहमत को नहीं समझ रहे हैं, उनको हम समझाते नहीं, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला जो है, इसलिए हम यही पैगाम देते हैं सारी दुनिया वालों को, अपने मुल्क के लोगों को और इसी तरह अपने शहर के लोगों को, कि अल्लाह ताला की तवज्जो करें, फरमान रहें और उसकी बातों पर अमल करें।